जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। राजधानी भोपाल में आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों से वेटिंग शिक्षक संघ 2023 वर्ग एक के अभ्यर्थियों द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से वेटिंग शिक्षक संघ ने वर्ग एक 2023 के समर्थन में उतरकर अपनी मांगे रखी हैं। इसमें पदवृद्धि की मांग रखी है। बता दें कि इनमें से कई छात्र ऐसे हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अब उनकी यह उम्र नौकरी की पात्रता सीमा से अंतिम चरण में पहुंच गई है। ऐसे में यह उनका अंतिम अवसर है। वहीं साल 2018 से परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे छात्र को 5 साल बाद इसका अवसर मिला है। वहीं उन्होंने 20,000 पदवृद्धि की मांग की है। इसके अलावा छात्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के इतिहास में पहली बार दो दो परीक्षाएं पास करके आए हैं, एक पात्रता परीक्षा और दूसरी चयन परीक्षा, और 80 से 85 मार्क्स लाने के बाद भी उन्हें वेटिंग पर रखा गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे शीघ्र ही पदवृद्धि करें, नहीं तो वह उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हम सर यही मांगने लेके आए हैं कि वर्ग एक में पदवृद्धि, पदों की वृद्धि हो। जनजाति विभाग में बहुत सारे में बिल्कुल जीरो पद आए हैं सर, तुरंत पदों में वृद्धि करें। सरकार आरक्षण आरक्षण करती है ना, 27% ओबीसी को आरक्षण दे देगी तो कुछ हो जाएगा, ना 80% महिलाओं को आरक्षण दे देगी तो भी नहीं कुछ होगा। जब आप पद नहीं देंगे तो आरक्षण का क्या होता है? आपको पद देगी तभी 25% जो अतिथि शिक्षक है वे भी परमानेंट हो जाएंगे, और जो बेरोजगार नॉन गेस्ट हैं वो भी हो जाएंगे सबका, क्योंकि आपने सारे बैकलॉग पद दे दिए हैं, फ्रेस पद थे ही नहीं, इसीलिए बहुत सारे बच्चे वेटिंग में आ गए हैं जो उनके अच्छे नंबर से, मेरे खुद 85% है और मैं सारी शिक्षा पूर्ण कर चुकी हूँ जबकि मैं PhD तक कर रही हूँ। शिक्षक हैं, चयनित शिक्षक संघ के सदस्य हैं और हम सब लोगों की ये मांग है। आज भोपाल में सभी लोग उपस्थित हुए हैं जिसमें हर मध्य प्रदेश के 54-55 जिलों से लोग अवेलेबल हैं और सब भारत सर मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आपने इतिहास में पहली बार दो परीक्षाएं कराई, पहली पात्रता परीक्षा, दूसरी चयन परीक्षा, और उसके बाद भी हम टॉप 10 में आने के बाद भी बेरोजगार हैं और एक और छात्र आंदोलन कर रहे हैं अच्छे शिक्षक के लिए। शिक्षा व्यवस्था टॉप 5 से गिर के 20 पे आ चुकी है और इधर हम शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं कि पदवृद्धि करके हमें पोस्ट दी जाए, और मोदी जी की गारंटी जो चुनाव से पहले आती है बाद में खत्म हो जाती है, और इन्होंने कहा था कि साल के अंत तक हम 60,000 शिक्षक की नियुक्ति हो जाएगी लेकिन मात्र 2901 पद पर नियुक्ति हुई है। तो हम मोदी जी की गारंटी पूछना चाहते हैं कि हमने आपको आपके मान सम्मान को इस वोटिंग के अधिकार से पूरा रखा है, क्या हमको जीने का और रोजगार का अधिकार नहीं है? हम नहीं, इसमें केवल वर्ग एक 2023 के वेटिंग शिक्षक संघ के छात्र हैं। वैसे टोटल यहाँ जो उपस्थिति है आज लगभग 1400-1200 के आसपास गुजर रही होगी और पूरे मध्य प्रदेश के जिले से आए हैं, एक अलग अलग जिले से, और सबकी एक ही मांग है जिसमें हमारी माता बहनें कुछ बच्चों के साथ आई हैं। इनका संघर्ष मतलब जीतोड़ संघर्ष, उसके बाद भी निराशा, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम यही अनशन पे बैठेंगे और जो होगा वो देखा जाएगा अनिश्चितकालीन। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।